हेलो 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 हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड काफी टाइम बाद मैं एमसी स्टैंड का वीडियो लेकर आई हूँ और इसका लिंक मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर किया गया था और जिनका वीडियो है वो आप लोगों ने टाइटल से रीड कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन इनके मैं रोस्टिंग वीडियोस देखती हूँ, ठीक है, रजत पवार के, और बहुत अच्छी रोस्टिंग करते हैं। वेल, चलिए जी, ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। करना क्या है, छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट करके बताने की और किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए है, या आप लोग इनके तरह ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो चलते हैं हम लोग ये वीडियो के साइड पे, मतलब कि एमसी स्टैंड की सच्चाई की तरफ। और जितना मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन अगर कुछ मिस कर गई हूं तो क्या पता मुझे इसके अंदर पता चल जाए। तो चलिए जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितनी बार बोलूंगी स्टार्ट करते हैं। ये बिग बॉस का पहला ऐसा सीजन था जो मैंने देखा, वरना मैं उन लोगों में से था जो बिग बॉस की सिर्फ बुराई करते थे कि ना जाने ऐसा कौन सा शो है और कैसी उसकी ऑडियंस है जो 10-12 लोगों को साथ में लड़ते हुए देखती है। पर तभी मुझे पता चला कि बिग बॉस में एमसी स्टैन आ रहा है। और फिर मैंने एमसी स्टैन के लिए बिग बॉस का पहला एपिसोड देखा और फिर मैंने पूरा का पूरा बिग बॉस देखा, यहाँ तक कि मैं वो ऑडियंस बन गया था जो रोज रात को 9:30 बजे वूट पे बैठ के वेट करती है कि कब बिग बॉस आए और हम देखें कि दिन भर आज इन पागलों ने क्या क्या किया। और कुछ दिन तक तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या मजा आ रहा है इन लोगों की लड़ाई देखने में। कोई अदरक के लिए लड़ रहा है, कोई धनिया के लिए, कोई पुदीना के लिए, और किसी की तो लड़ाई नहीं है, वो फिर भी बीच में कूद रहा है। पर मेन बात ये नहीं थी, मेन बात ये थी कि बिग बॉस में एमसी स्टैन के लिए देख रहा था और शुरू के एपिसोड में एमसी स्टैन दिख ही नहीं रहा था। छापरे आजा, हिम्मत है, लाफा दिखा देगा, आजा मैं लाफा दिखा देगा, बोलने का पता नहीं, बस आधे हटे छापरे। क्योंकि जितना कंफ्यूज मैं था कि क्या हो रहा है इस शो में, उतना ही एमसी स्टैन भी था, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये सब लोग फोकट में लड़ाई कर रहे हैं और क्यों इस नॉनसेंस की लड़ाई में मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। और फिर मैं वहां पर सोच रहा था कि मैंने एमसी स्टैन के लिए बिग बॉस देखना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था जो इंसान शूज 80,000 के पहनता है उसकी जिंदगी कैसी है। क्योंकि एमसी स्टैन को इंटरनेट पे हमने सिर्फ एज अ रैपर देखा था जो कि छोटी सी बस्ती से शुरू होकर आज 1 करोड़ का लॉकेट पहनने तक की दम रखता है। और एमसी स्टैन की एक इमेज ऐसी भी थी कि एक ऐसा रैपर है जो खुलेआम अपने गानों में गालियां बकता है। और वहीं पे मैंने जब इसका इंस्टाग्राम सर्च किया और देखा उसकी प्रोफाइल को, तो मैं देखता हूँ वहां पे सिर्फ गिनती के 4-5 पोस्ट हैं, 1.5-2 मिलियन फॉलोअर हैं और हर पोस्ट पे आपको 9 से 10 लाख लाइक मिल जाएंगे। इतनी भयंकर इंगेजमेंट अच्छे खासे बॉलीवुड एक्टर्स की भी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि उसके फैंस इतने ज्यादा कट्टर थे और इतनी भयंकर इंगेजमेंट थी? यही जानने के लिए मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया और फिर मुझे पता लगा कि उसकी फैंस इतने ज्यादा कट्टर है कि कोई अगर बिग बॉस में उसके ऊपर उंगली भी उठा देता है तो वो उसके पोस्ट पे जाके लाइक से ज्यादा कमेंट कर देते हैं। वो अलग बात है, कमेंट में सिर्फ गालियां होती है। तो उससे क्या डरना, वो गुस्से में तो हर कोई कुछ भी बोलता है। डर स्टैन से नहीं था, डर जो है उसके जो सपोर्टर हैं या जो मीडिया में है वो सबसे। और ये सबसे बड़ा रीजन था बिग बॉस में एमसी स्टैन के पास मंडली के अलावा जितने भी लोग आए दोस्ती करने उसका, क्योंकि उनको भी पता था कि एमसी स्टैन की पॉपुलैरिटी बाहर कितनी ज्यादा है। बाय द वे, जिन लोगों को मंडली का मतलब नहीं पता, मंडली में शाहिद खान, शिव, अब्दू, स्टैन और बाद में निमरत और सुम्बुल भी आ गए थे। हाँ, तो बिग बॉस में जैसे फेम के लिए बाकी सब लोग एमसी स्टैन का फायदा उठा रहे थे, उससे चिपक रहे थे ताकि उसके फॉलोअर्स का सपोर्ट मिले उन्हें, और एमसी स्टैन इतना ज्यादा जेन्युइन खेल रहा था कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसके पास फायदे के लिए आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन है उसके फैंस का, उसकी ऑडियंस का उसके लिए इतना कट्टर होने का, क्योंकि पूरे के पूरे बिग बॉस के सीजन 16 में एक एपिसोड में ऐसा फील नहीं हो कि एमसी स्टैन नकली बन रहा है या वो कुछ शो के लिए कर रहा है। यहां तक कि रोज बिग बॉस में एक एंथम होता है जहां पे रोज सुबह उठ के सब लोग नाचते गाते हैं, वहां पे भी एमसी स्टैन चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि उसको वो गाना क्रिंज लगता है। ना वो लिपसिंग करता है, ना वो डांस करता है, बाकी सब लोग फुल मजे करते हैं। ना वो वहां पे रिएक्ट कर रहा था जहां जोक उसको लेम लगते हैं, बाकी सब लोग तो अगर किसी ने जोक मारा है तो हंसना कंपलसरी है। और एमसी स्टैन ने ऑडियंस से ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए अपनी नॉर्मल भाषा भी नहीं छोड़ी, वो वही भाषा यूज कर रहा था जो वो नॉर्मल जिंदगी में यूज करता है।
उसकी बहुत सी चीजें तो ऐसी भी थी जो समझ भी नहीं आती थी, शेमड़ी पादरी बातें करना, और एक सीन में तो उसको जहाँ एडवोकेट बनाया गया था वहां वो बोल रहा था कि यहाँ मेरे क्लाइंट की एड़ भगाई जा रही है जज साहब। गौतम की तरफ से लड़ने वाले वकील होंगे एमसी स्टार। क्या आपने उस स्टेटमेंट को डिनाई किया? का मतलब मुझे आज भी समझ नहीं आया, जिसको पता हो प्लीज कमेंट में बताओ। और मेरी तरह से बहुत से लोग थे जिनको ये सब वर्ड समझ नहीं आ रहे थे पर उन्हें फनी लग रहे थे, तो एमसी स्टैन ऑलरेडी ऑडियंस से कनेक्ट कर रहा था अपनी उस लैंग्वेज के द्वारा जो काफी लोगों को समझ तक नहीं आ रही थी। और जहां बाकी सारे के सारे बिग बॉस 16 के लोग कोशिश करते थे कि ऑडियंस से इंगेज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, वही एमसी स्टैन कैमरे के सामने खड़े होकर बोलता था कि मुझे वोट मत दो, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और उसके बावजूद उसकी ऑडियंस उसको वोट देती थी क्योंकि वो और देखना चाहते थे कि इसकी एक्सक्लूसिव जिंदगी में और क्या है जो हम इंस्टाग्राम पे या कहीं सोशल मीडिया पे नहीं देख पा रहे हैं। और इसी कट्टर फैन बेस की वजह से जिस इंसान को शुरू में ही घर जाना था वो आज टॉप 5 में खड़ा है, और क्या पता शायद एमसी स्टैन जीत भी जाए। और अगर बिग बॉस सिर्फ ऑडियंस की वोट के दम पे विनर बनाता है तो एमसी स्टैन 100% जीत जाएगा। और क्योंकि मैंने फर्स्ट सीजन देखा बिग बॉस का और बाकी पुराने सीजन के बारे में मेरे को ज्यादा आता पता भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये लोग विनर कैसे बनाते हैं। पर अगर शिव जीत गया तो भी चल जाएगा, प्रियंका जीत गई तो भी चल जाएगा, पर अगर शालीन या अर्चना में से कोई जीत गया तो बिग बॉस का नाम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। बाकी बिग बॉस में एमसी स्टैन के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि वो सबसे ज्यादा जेन्युइन लगा है, शिव भी बहुत ज्यादा जेन्युइन लगा है, पर बहुत हद तक वो थोड़ा कैलकुलेटिव भी होता है कि कैसे मुझे क्या करना है क्योंकि उसके दिमाग में पहले से जीतने का था, एमसी स्टैन के दिमाग में जीतने का कोई प्लान नहीं था, तो वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जो जी सकता है वो जेन्युइनली जी रहा था। और बात रही प्रियंका की, तो प्रियंका पुराने बिग बॉस देख के वहां जो कंटेस्टेंट ने किया था वो सेम चीजें रिपीट कर रही थी, दूसरों के मुद्दों में घुस रही थी, पर वो भी जीत सकती क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। चौथी है अर्चना। अर्चना ने सिर्फ लड़ाइयां करी है बेवजह की, अदरक धनिया पुदीना की, बहुत ज्यादा छींचा लेदर करी है, लोगों के गले दबाए हैं और बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है, तो अगर वो जीतती है तो फिर एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि बिग बॉस जीतने के लिए आपको बदतमीज होना पड़ेगा। और अगर शालीन जीतता है तो उसका पूरा का पूरा शो सिर्फ फेक लव एंगल और ब्रेकअप के उस पर चला है, तो वो तो सबसे ज्यादा नकली। अगर वो जीत गया तो अगली बार से सब एक्टिंग ही करेंगे बिग बॉस में आगे। और क्योंकि जितना बिग बॉस देख के मुझे समझ आया यहाँ पे पर्सनालिटी, रिश्ते वगैरह ये सब ज्यादा मैटर करते हैं, तो शिव और एमसी स्टैन के जीतने के चांसेस इसीलिए भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनको तो एक दोस्ती का अवार्ड भी मिल गया। और सबसे अजीब चीज मुझे जो बिग बॉस की लगी इस सीजन में देख के कि वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों होती है इसमें मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला 10-15 दिन के लिए आता है, वो ऑडियंस के दिल में जगह नहीं बना पाता, नॉमिनेट होता है और निकल जाता है, वो आता क्यों है यहाँ 10-15 दिन मस्ती करने? जीत तो क्योंकि वाइल्ड कार्ड वाला कभी नहीं सकता और आज तक कभी जीता भी नहीं है क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी 1.5 महीने में अपने फेवरेट चुन चुकी होती है, तो वाइल्ड कार्ड के कोई चांसेस ही नहीं है। बाकी दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए, कौन ज्यादा डिजर्विंग है। बाकी एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी है कि जितने भी लोग बिग बॉस में जाते हैं फेक पीआर बहुत ज्यादा तेज काम करती है, जैसे कि प्रियंका और शिव की आप अगर ले लो, भले ही वो कितना ही अच्छा खेले पर उनकी फेक पीआर रहती है जो कि फेक ट्वीट्स करवाती है ट्विटर पे, जहां पे प्रियंका के 2.5 मिलियन ट्वीट थे वही शिव के 1.5 या 1.6 मिलियन थे, और एमसी स्टैन के वहां पे जेन्युइन 1 मिलियन 1.2 मिलियन कुछ ट्वीट्स रहते थे। और एमसी स्टैन को ऑडियंस के साथ साथ डीएचएच मतलब देसी हिप हॉप का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है क्योंकि उसके लिए सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या हिप हॉप से रिलेटेड जो लोग हैं सब स्टोरी डाल रहे हैं, यहाँ तक कि एमी पे बंटा से उसकी बहुत अच्छी खासी व्यू हुई थी, उसके बावजूद एमसी स्टैन ने उसके सपोर्ट में स्टोरी डाली, अवनीत कौर ने डाली जिसका तो मेरे को पता भी नहीं उससे दोस्ती अभी की नहीं है। इसके अलावा उसकी दोस्ती रोहित जिंजुके से है, रोहित 09, उसने भी उसकी स्टोरी डाली है। ये सब लोग अच्छा खासा फैन बेस लेके बैठे इंटरनेट पे और बहुत ज्यादा इंगेजिंग ऑडियंस, तो अगर इन सब की ऑडियंस जाके वोट करती है तो एमसी स्टैन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और एमसी स्टैन को सारे रैपर्स का सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि एमसी स्टैन एक अंडरग्राउंड रैपर था और बहुत सारे ऐसे रैपर हैं जिनको अभी ऑडियंस ढंग से मिली ही नहीं है, तो एमसी स्टैन के बिग बॉस में जाने से जो देसी हिप हॉप है वो बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। वहीं एक दूसरी तरफ हेट भी मिली है कि ये कैसी हेयर स्टाइल है, क्योंकि नॉर्मल फैमिलीज में हम लोगों की फैमिली में अगर कोई ऐसी हेयर स्टाइल लगता है तो उसको माँ बाप कभी ऐसी हेयर स्टाइल रखने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ऐसी बातें करने नहीं देंगे। पर मेन मोटिव जो था अंडरग्राउंड रैप को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना, तो पूरी की पूरी अगर बिग बॉस की ऑडियंस में से 10% लोगों ने भी हिप हॉप सुनना शुरू कर दिया है तो वैसे भी रैपर्स खुश हो जाएंगे सारे के सारे क्योंकि उनको भी नई ऑडियंस मिलेगी, तो इसीलिए सब लोग एमसी स्टैन को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी कोई भी जीते, मुझे एक बहुत ज्यादा गंदी आदत हो गई है रोज बिग बॉस का वेट करने का, अब जब ये खत्म हो जाएगा तो मुझे नहीं पता रात में 9:30 बजे मैं क्या करने वाला हूँ, एनीमे चालू करूंगा। आप लोगों को अगर कोई बढ़िया सा एनीमे पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट में सजेस्ट करें,
और वैसे भी अभी 14 दिन के लिए मैं फ्री हो गया हूँ, मेरे चैनल पे मेन चैनल पे 2 स्ट्राइक है, तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, उस पे एक और स्ट्राइक आई वो चला जाएगा, आपको ये चैनल नहीं मिलेगा, मैं गायब हो जाऊंगा, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हम लोग जुड़े रहें आपस में, वो सिर्फ मेन चैनल एक जरिया ना हो जुड़ने का। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। ओके, काफी कुछ नया मुझे पता चला एमसी स्टैंड के बारे में, और दूसरी चीज मैं ये बोलूँ ना कि मुझे उसका यही चीज बहुत अच्छी लगती। अच्छा, मैं कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर करूंगी, एक शेम्बड़ी वर्ड हो गया और भी एक दो वर्ड्स है जो मुझे पहले से ही पता था, मतलब ये जो अभी एमसी स्टैंड का जो ये वर्ड्स है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, लेकिन उससे पहले से ही पता था, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई है, ठीक है, जब मैं छोटी थी नाक बहती रहती थी तब वो मुझे बहुत चिढ़ाते थे, इसके लिए मुझे पता है, और वो मुझे मोगली भी बोलते थे, ठीक है, मतलब जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स है ना वो मेरे साथ जानबूझ के मुझे चिढ़ाने के लिए बोलते, तो मुझे तब से पता है कि हाँ। लेकिन अभी जब से एमसी स्टैंड ने ये वर्ड्स बोलना शुरू किए ना, तो मुझे वापस मुझे मेरे भाई की बहुत याद आने लग गई है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी एमसी स्टैंड की बात करें तो मुझे उसका स्ट्रगल बहुत अच्छा लगता है, उसने क्या कुछ देखा होगा लाइफ में किसी को नहीं पता, और कई ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो अपने दिल के अंदर रखना चाहती, जो उसको नहीं वो बताना चाहती, और मुझे सबसे ज्यादा बुरा उस टाइम पे लगा था जब उसकी शालिन के साथ में फाइट हो रही थी, शायद शालिन के साथ में हो रही थी, या नहीं सॉरी शिव के साथ में हो रही थी, और तब उसने बोला था कि मैं रिक्शा में सोया था, वो सब नहीं दिखाई दिया, और जो गला उसका भारी हो गया था, मुझे लिटरली बहुत अंदर से ना फील हुई थी वो चीज़ की, नहीं यार ऐसे मत तुम किसी को ऐसे टॉर्चर करो उसके बैकग्राउंड से, या उसके उसका स्ट्रगल करो, एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट तो भी करो, ठीक है चलो कंपटीशन चल रहा है वो सारी चीजें, लेकिन पर्सनल के अंदर नहीं ज्यादा जाना चाहिए है। और शिव के भी मुझे चांसेस जरूर लग रहे हैं, क्योंकि वो भी जो है ना इतने कुछ बोलेंगे ना, तो स्टार किड नहीं है, कुछ नहीं, अपने स्ट्रगल के साथ में आए हैं ऊपर, ठीक है, और एंड आई थिंक मराठी का भी बिग बॉस वो जीत चुके हैं, तो इसके वजह से उनकी भी फैन फॉलोइंग पहले से ही है, तो मुझे दोनों ऐसे लग रहे हैं कि टक्कर पे, लेकिन मुझे ज्यादा चांसेस जो है ना वो एमसी स्टैंड के लग रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि मैं मेरे नजरिए से देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मतलब मैं एमसी स्टैंड के फेवर में इसलिए ज्यादा हूँ, क्योंकि वो बहुत 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 यू नो जेन्युइन बोलते हैं, रियल बंदा बोलते हैं, नो फेक वाला, दो फेसेस वाले वो इंसान मुझे नहीं लगता है, वो जो कुछ है फेस पे ही है। और अभी जो है ना मुनव्वर के बाद जो है इतना ट्रेंड अभी इसका हाइप आया है, ठीक है, और उनका भी स्ट्रगल बहुत है, इनका भी बहुत स्ट्रगल है, और एक बोलते ना कि देख देख के एक आदत सी हो जाती है, ठीक है, कि एक अटैचमेंट सी हो जाती है, वो चीज हुई है, मैंने आज बहुत ज्यादा बोल दिया है, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सपोर्ट दोनों के तरफ है, ठीक है, अर्चना और उन लोगों के साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं पहले बोल दूं, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है अर्चना, वैसे मैंने पूरे एपिसोड्स नहीं देखे क्योंकि उसका रीजन एक और है, मैं वापस से बोलने जा रही हूँ, एक लास्ट सुन लो बस लास्ट, कि मुझे ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देखनी है, मुझे ज्यादा चिड़चूड़ चूड़ 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 नहीं पसंद है ज्यादा देखना, ठीक है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, हाँ, लेकिन एमसी स्टैंड के लिए मैंने देखे हैं कुछ एपिसोड्स, ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एमसी स्टैंड को भी और शिव को भी, मेरे दोनों तरफ जो है ना वोटिंग है, राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर, ऐसे वाली चीज है, ठीक है, तो यस, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड जो है एमसी स्टैंड के फैंस के साथ में भी, और गाइज मुझे यहां तक देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिए, वहां पर ब्लॉग्स वगैरह डाल रही हूँ, चैलेंजेस वगैरह कर रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई सजेशन देने हैं तो वहां पर जाकर जरूर दे देना, और हमेशा की तरह यहां तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच गाइज, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, खुश रहे, एंड thank you, ta-da, bye-bye. 'Cause there's so many things left to eat.